उसके बाद सक्सीड टू होता है, ये टू प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है, आप सक्सीड टू भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा, देखिए टू गेन द राइट आर टू लिटिल, ओके ये एट नहीं है, ये लिटिल अ लिटिल बेटा, ठीक है, सक्सीड टू का मतलब क्या है, टू गेन द राइट या टू लिटिल प्रॉपर्टी, टू गेन द राइट या टू लिटिल प्रॉपर्टी किसी चीज को हासिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। शी सक्सीडेड टू द थ्रोन, देखें अच्छा, ही हैज ऑल द राइट टू सक्सीड टू द टेनेंसी, तो ये भी प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है, इन्फिनिटिव टू नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटिव टू होता तो मतलब ये नहीं, हम कहते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मीनिंग चेंज है, देखो फायदा कोई किसी फायदे या किसी स्टेटस में आगे जाना, किसी फायदे या स्टेटस में पजीरा या अचीवमेंट हासिल करने के लिए हम टू का यूज करते हैं। अच्छा उसके बाद देखो सस्पेक्ट वर्ड है, सस्पेक्ट शक करना, वो इस्तेमाल होगा और इंग फॉर्म है, देखो ही वाज सस्पेक्टेड ऑफ बाइंग स्मगल्ड गुड्स, देखो सस्पेक्टेड ऑफ बाइंग, ठीक है ऑफ बाइंग हो जाता है, तो हम ऑफ इस्तेमाल करें, जाहिर है जो भी प्रीपोजिशन आएगा या तो नाउन आएगा या बेटा इंग फॉर्म वाला आएगा। अच्छा उसके बाद इसी के साथ सस्पेक्ट प्लस समवन प्लस ऑफ, अगर समवन पहले आता है तो बाद में ऑफ आता है तो भी हम इस तरीके से, जैसे आई सस्पेक्ट हिम ऑफ चीटिंग ओके फ्रॉम माय नोटबुक, तो आप देखें समबडी पहले इस्तेमाल हुआ है फिर भी ऑफ आया है तो भी देखें हम इंग फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो बेटा ये अल्फाज दिए हुए हैं उनके साथ कौन से प्रीपोजिशंस इस्तेमाल होते हैं समबडी और समथिंग वाले सेंस में, वो हमें लिखने, और ये देखो एग्जाम्पल से बहुत बेहतरीन फॉर्मेट बना हुआ है आपकी स्टडी के लिए, आप घर बैठे भी इनको आराम से पढ़ सकते हैं, कोई इश्यू और प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि देखो ये सेल्फ लर्निंग जो है वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न पे ये सारी चीजें बनाई हुई है ताकि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है इस तरीके से। तो ये हुआ आपका पेज नंबर 9, अब पेज नंबर हम 10 पे चलेंगे। टेन पे देखो बेटा, टेन नंबर पेज है टाई अप टू फास्टन, काबू करना कोई चीज को, काबू करना मजबूती से, तो आप देखें टाई अप मतलब टू फास्टन द गैंग टाइड अप सिक्योरिटी गार्ड, मतलब इसमें देखो कोई नहीं है समबडी लग रहा है ना, कोई प्रीपोजिशन नहीं है, जीरो प्रीपोजिशन है, और इधर देखो टाई समबडी डाउन है, ठीक है मतलब ये फ्रेजल वर्ब आया तो हम देखो इसके साथ डाउन इस्तेमाल करते हैं फ्रेजल वर्ब के तौर पर, और इसका सेंस चेंज है टू रिस्ट्रिक्ट समबडी फ्रीडम, किसी को रोकना, किसी को आजादी से मतलब एक्सप्रेशन से रोकना तो हम इस्तेमाल करते हैं, किड्स टाइड यू डाउन डोंट दे, अच्छा एवरी गवर्नमेंट ट्राइज टू टाई डाउन द मीडिया एजेंसीज, देखो ये टाई डाउन होता है रोकना, टर्न आउट होता है डेवलप या एक्सपोज करना, देखो इसमें सेंस में इस्तेमाल होता है ये बेटा, यानी फ्रेजल वर्ब्स के तौर पर अल्फाज ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, डिस्पाइट अवर वरीज एवरीथिंग टर्न्ड आउट वेल, देखो मीनिंग दी हुई है आपको, ड्रैग समबडी आउट टू फोर्स समबडी टू लीव अ प्लेस, ये फ्रेजल वर्ब होता है, फ्रेजल वर्ब से मुराद कोई वर्ब होता है उसके साथ आप कोई प्रेड पार्टिकल इस्तेमाल करें, वो प्रीपोजिशन या एडवर्ब वाला हो उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं, तो इधर देखें इनका सेंस चेंज हो रहा है, लीव अ प्लेस, टर्न समथिंग आउट टू स्विच लाइट और हीट सोर्स, देखो टर्न समथिंग आउट हम टर्न आउट करते हैं, ठीक है तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल्स भी दिए हुए, टर्न डाउन किसी को रिजेक्ट करना, टर्न पे सारे, टर्न समथिंग अप टू इंक्रीज, देखो हम इस्तेमाल करते हैं सेंस में, टर्न इनटू प्लीज देखो डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, टर्न इनटू देखो ट्रांसफर के लिए करते हैं, तो अल्फाज दिए हुए देखो ये सारा फ्रेजल वर्ब, मतलब इस एक टर्न के साथ मुख्तलिफ जो है वो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं पार्टिकल्स और मीनिंग देखो चेंज हो जाती है, ठीक है ना, और ये एग्जाम्पल दिए हुए, तो ये हमारा पेज नंबर देखो 10 हुआ। उसके बाद बेटा जल्दी आज हमें ये कंप्लीट करना है, और 10 के बाद अच्छा बेटा देखिए रीजन और पर्पस वाले प्रीपोजिशन, देखो रीजन पर्पस शो करने के लिए हम कौन से ये प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, फॉर थ्रू बिकॉज ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉम, ये होते हैं रीजन या पर्पस को शो करने के लिए, जैसे आप देखें एवरीथिंग आई टोल्ड वाज फॉर यू ओके, तो ये जो प्रीपोजिशन है बेटा इन ये प्रीपोजिशन आपके इस्तेमाल होते हैं रीजन या पर्पस को शो करने के लिए, मीनिंग देखो आपको क्लियरली दी हुई है, अच्छा मतलब सिंपल है बेटा, इसमें मैं अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन करूं तो इसमें कोई अपना फायदा नहीं है, ये आप खुद पढ़ के भी कर सकते हो,
कनेक्शन है, आप देखें कनेक्शन को शो करने के लिए हम ऑफ टू और विद इस्तेमाल करते हैं, पोजीशन कनेक्शन रिलेशनशिप ये सारे दिए हुए एग्जांपल दिए हुए मैं आपको ये भेजता हूं। अच्छा स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, ठीक है ओके ऑफ लिबर्टी, देखो पोजीशन ऑफ लिबर्टी हो रहा है, टू टीचर्स देखो हो रहा है, अच्छा देखो ये विद हो रहा है, तो ये जो डिस्क्राइब कर रहा है पोजीशन रिलेशनशिप और अकंपनीमेंट द्वारा जो वाला जो सेंस ये था ओरिजिन है, मैंने आपको पहले बताया था कि इट डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग्स ओरिजिन, किसी पर्सन या थिंग की जो ओरिजिन या बिलोंगिंग वाला सेंस होता है देखो उसके लिए भी हम ये प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम फ्रॉम चाइना देखो ये ओरिजिन हो गई आप देखें, या आप टर्किश देखो ये मतलब ओरिजिन जो हो रही है आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये प्रीपोजिशंस आप इन सेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में अब आपके सारे प्रीपोजिशंस हो गए, इसमें कोई आपका अब रहता नहीं है, प्रीपोजिशंस जो थे तो मैंने आपको आज कंप्लीट बेटा करवा लिए, ठीक है ये नौ आठ सात आपका हो गया, सेवन से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है सेवन और एट देखो नौ दस बारह और ये हो गया। तो ये प्रीपोजिशंस जो आज बेटा हमने कंप्लीट कर लिए सारे प्रीपोजिशंस, ठीक है अब सिर्फ एक लेक्चर आपका रहता है जो कल वो स्पेलिंग मिस्टेक्स पे वो मैं कल आपको करवा दूंगा।